मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड एग्जीक्यूटिव कोच माइकल जे ग्लैब का कहना है कि हमारा ब्रेन इम्प्रूव होने के लिए ही डिजाइन हुआ है और इसका इम्प्रूव होना इस पे डिपेंड करता है कि हम इसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। माइकल जे ग्लैब और कैली हाउवेल ने अपने सालों के एक्सपीरियंस एंड रिसर्चेस के बाद ह्यूमन ब्रेन को इम्प्रूव और पावरफुल बनाने के लिए हमारे लिए काफी फेमस बुक ब्रेन पावर इम्प्रूव योर माइंड एज यू एज लिखी है, जिसमें उन्होंने 8 साइंटिफिक तरीके बताए हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपने ब्रेन को बढ़ती उम्र के साथ इम्प्रूव कर सकते हैं। अब चाहे आप किसी भी एज में हो, आप कुछ भी नया सीख सकते हो और अपना फोकस और ब्रेन पावर दोनों बढ़ा सकते हो। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, थिंक काउंटर क्लॉकवाइज। हम में से ज्यादातर लोग मानते हैं कि हमारी बढ़ती एज के साथ हमारा दिमाग कमजोर होने लगता है और हम सोचते हैं कि यंग एज में हमारे लिए कुछ भी सीखना बहुत आसान होता है, लेकिन ऐसा सोच के हम पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड को कम आंक रहे होते हैं। एक्चुअली 1970 में सोशल साइकोलॉजिस्ट एलन जे लैंगर ने ओल्ड एज लोगों के 2 ग्रुप के साथ एक एक्सपेरिमेंट करा, जिसमें उन्होंने ग्रुप ए के लोगों को 20 साल पहले यानी कि 1959 को याद करके वो सारी एक्टिविटीज करने को कहा जो वो लोग 20 साल पहले करते थे। एक हफ्ते बाद उन्होंने अपने आप को मेंटली एंड फिजिकली पहले से बेहतर और स्ट्रांग फील करा। वहीं ग्रुप बी के लोगों को ईयर 1959 के बाद की एक्टिविटीज करनी थी, जैसे कि उस टाइम की कैसी भी सीरियस डिबेट को डिस्कस करना या उस टाइम की मूवीज और शोज को देखना। इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये आया कि ग्रुप बी के सभी लोग पहले से ज्यादा एक्टिव हो गए और वो अपने मील्स खुद सर्व करने लगे, सोशल एक्टिविटीज में फुली इन्वॉल्व होने लगे और उनकी मेमोरी, फ्लेक्सिबिलिटी, विजन और हेल्थ में सुधार आया। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? अगर इसको एक लाइन में बोले तो ये थी द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। सिंपली लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड से काफी मेजर चेंजेस आ सकते हैं। नंबर 2, सिंक्रोनाइजिंग योर ब्रेन। ज्यादातर लोगों के लिए मेडिटेशन करना बहुत बोरिंग हो सकता है, बट अगर यहाँ हम ब्रेन वेव्स को यूज करें तो हम मेडिटेशन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ब्रेन वेव्स यानी कि दिमागी तरंगे जो हमारे दिमाग से निकलती हैं। आज टेक्नोलॉजी ने ब्रेन वेव्स को बहुत ही इजीली एक्सेसिबल बना दिया है। बस इसके लिए आपके पास हेडफोन होने चाहिए, आप ईयरबड्स भी यूज कर सकते हैं और आपको बैकग्राउंड में वेव म्यूजिक प्ले कर देना है। इससे आप मेडिटेशन की स्टेट में एंटर कर सकते हैं। लेकिन ब्रेन वेव्स कितने टाइप की होती हैं? फर्स्ट है बीटा एंड गामा वेव्स। ये ब्रेन वेव्स हमारे फोकस और अवेयरनेस को बढ़ाती हैं। बीटा वेव्स एग्जाम, स्पोर्ट्स और एनालाइज में आपको मेंटल क्लैरिटी देती हैं। सेकंड है थीटा वेव्स, जो हमारी क्रिएटिविटी एंड लर्निंग पावर को बढ़ाती है, साथ ही हम में स्ट्रेस को भी कम करती हैं। नंबर 3, बी ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। हम लोग क्यूरियोसिटी और पैशन के साथ सीखने के लिए पैदा हुए हैं। स्कूल में हमारे पास बहुत कम चॉइसेस होती थी अपने सब्जेक्ट्स को चूज करने की। हमें पुश करा जाता है आर्ट क्लास में ड्रॉ और मैथ्स क्लास में लॉन्ग डिविजन करने को, अब चाहे हमें वो पसंद हो या ना हो। इसकी वजह से हमें काफी बार एम्बेरसमेंट फील होती थी और एडल्ट एज में हम उन फील्ड्स को चूज कर लेते थे जिसमें हम अच्छे नहीं हुआ करते थे और लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते थे, कुछ भी नया सीखने की कोशिश नहीं करते बिकॉज ऑफ डिस्कम्फर्ट और एम्बेरसमेंट। बट आप अपने इस आदत को ब्रेक करके आगे नई चीजें सीख सकते हो, क्योंकि न्यूरो साइंटिस्ट का मानना है कि नई चीजें सीखना बेस्ट वे है अपने ब्रेन को स्ट्रांग बनाने का। नंबर 4, कल्टीवेट हेल्दी रिलेशनशिप्स। हेल्दी रिलेशनशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो बढ़ती उम्र के साथ हमारे ब्रेन को बेहतर करता है, और इसके लिए हमें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना चाहिए। एक्चुअली ट्रेडिशनल सोसाइटीज में एल्डर्स ने हमेशा सोशल कम्युनिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, चाहे वो कोई रीति रिवाज हो या सेरेमनीज। कोई भी समस्या आने पर एल्डर्स की ही एडवाइस ली जाती थी, और आज के कल्चर में हम एल्डर्स को बहुत ही कम इम्पोर्टेंस देते हैं सोशल गैदरिंग्स में। एक स्टडी के मुताबिक जो लोग ज्यादा टाइम तक अकेले या लोनली फील करते हैं उनमें डेमेंशिया के सिम्टम्स डेवलप हो सकते हैं। डेमेंशिया मतलब मेमोरी लॉस होना, प्रॉब्लम सॉल्विंग और थिंकिंग एबिलिटी का कम होना। इसीलिए हेल्दी सोशल लाइफ और सोशल नेटवर्क हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल वेलबींग के लिए बहुत ही जरूरी है। नंबर 5, नरिश योर माइंड विद डाइट। 500 साल पहले द ग्रेट जीनियस लियोनार्डो द विंची ने हेल्दी ईटिंग पे एडवाइस दी थी कि हमको हमेशा फ्रेश और पौष्टिक फूड ही खाना चाहिए और खाते वक्त हमें रिलैक्स पोजीशन में बैठना चाहिए। साइंटिस्ट्स के अनुसार हमारी बॉडी 50-70 ट्रिलियन सेल्स से मिलके बनी होती है और ये सेल्स साल में 2 से ज्यादा बार डिस्ट्रॉय होके फिर से बनते हैं। हमारी डाइट इन सेल्स को फ्यूल प्रोवाइड करती है जिससे फिर से ये हमारी बॉडी में बन सके। और डाइट के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है मेंटेनिंग हाइड्रेशन। आपको कितना पानी पीना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी डेली एक्टिविटी लेवल,
वेट और एनवायरमेंट पे, लेकिन आपको रोज 8 ग्लास पानी जरूर पीना चाहिए। सेकंड, स्टार्टिंग योर डे विद ब्रेकफास्ट। हमें हमेशा मॉर्निंग में एक हेल्दी ब्रेकफास्ट से ही अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ओवरनाइट फास्टिंग के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, तो ब्रेकफास्ट हमारे ब्रेन के कोर फंक्शंस को सपोर्ट करता है और ये आपके मूड और एटीट्यूड को बेटर भी करता है। नंबर 3 है रस्ट प्रूफिंग योर ब्रेन एंड बॉडी। फ्री रेडिकल्स हमारे सेल्स ग्रोथ को डैमेज करते हैं, इसके लिए हमें अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट फूड ऐड करना चाहिए, जैसे कि रेस्टबेरीज, स्ट्रॉबेरीज और ब्लूबेरीज। आप दूसरे फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे एप्पल, पोमेग्रेनेट और ऑरेंज। ये सब रिच ऑक्सीडेंट फ्रूट्स हैं जो आपकी बॉडी को हार्मफुल फ्री रेडिकल से बचाते हैं। नंबर 6, एक्सरसाइज फॉर मोर ब्रेन पावर। एटीट्यूड हमारे वेलबींग को इन्फ्लुएंस करता है और फिजिकल एक्टिविटी हमारे ब्रेन और मेंटल शार्पनेस को। सालों से हमारा लेजी बिहेवियर एंड पुअर डाइट हमारे ब्रेन में ब्लड फ्लो को स्लो करती है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी और मेंटल फंक्शंस में रुकावटें आती हैं। न्यूरॉन हमारी ब्रेन में पेड़ की टहनियों के जैसे एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और एक्सरसाइज इन ब्रांचेस को ग्रो करके हमारी ब्रेन पावर को बढ़ाती हैं। इसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किन एक्टिविटीज को एंजॉय करते हैं। तो जो आपको फिजिकल एक्टिविटीज पसंद है और जो आपको मोटिवेटेड करती हैं, आप वो कर सकते हो। जैसे किसी को जिम में वर्कआउट करना पसंद है, तो किसी को होम वर्कआउट, डांसिंग या योगा। आप एक्सपेरिमेंट करके जान सकते हो और चूज कर सकते हो कि आपको किस में ज्यादा मजा आता है। साथ ही फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद आपको मेंटल रिलैक्सेशन फील होगी और आप वक्त के साथ इसे पसंद करने लगोगे। तभी तो कुछ लोग फिटनेस फ्रीक हो जाते हैं। नंबर 7, क्रिएट ब्रेन एनहेंसिंग एनवायरमेंट। एनवायरमेंट हमारी ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम डेली जो साउंड सुनते हैं वो हमारे ब्रेन और बॉडी को इफेक्ट करते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का मानना है कि नॉइस पॉल्यूशन लाखों लोगों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अनवांटेड साउंड्स जैसे क्राइंग, सेलफोन रिंग और मशीन साउंड्स हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाते हैं और हार्ट बर्न और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसके लिए आपको जितना हो सके इन साउंड्स को बिल्कुल अवॉइड करना होगा और अपनी डे टू डे लाइफ में सॉफ्ट और इंस्पायरिंग म्यूजिक को ऐड करना होगा। आपको अपने एनवायरमेंट को ब्रेन फ्रेंडली बनाना होगा, जिसके लिए आपको एटलीस्ट 30 मिनट्स रोज सनलाइट लेनी होगी, क्योंकि सनलाइट हमारे मूड को एनहेंस करती है। नंबर 8, रेस्ट इन पीस टू डिले इन रेस्टिंग इन पीस। फ्रेंडली एनवायरमेंट, लर्निंग न्यू थिंग्स या प्रॉपर एक्सरसाइज या डाइट की तरह ही रेस्ट भी हमारे माइंड और बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे हम रेस्ट की मदद से अपने ब्रेन को हेल्दी रख सकते हैं? उसके लिए सबसे पहला, स्लीप वेल। जनरली जो लोग 8 से 9 घंटे की नींद लेते हैं वो लोग ज्यादा हेल्दी और लंबी लाइफ जीते हैं। स्लीप हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा और फोकस को इम्प्रूव करती है, तो आपको रोज 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। दूसरा है मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन हमारी मेमोरी और कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाता है, क्योंकि स्ट्रेस हमारी एजिंग को इफेक्ट करता है, तो इसका सबसे पावरफुल एंटीडोट है मेडिटेशन। रिसर्चर ब्रिटा के होलजेल ने अपनी रिसर्च में ये डिस्कवर करा कि 30 मिनट्स मेडिटेशन करना 8 वीक्स के लिए हमारी ग्रे मैटर की क्षमता को बढ़ा सकता है, जैसे कॉन्सेंट्रेशन और मेमोरी पावर का बढ़ना। तो आप भी अपनी लाइफ में मेडिटेशन जरूर ऐड करें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।